आज हमारे मुजम्मिल भाई ये जो है फायर अलार्म का पैनल है इस पर वर्किंग कर रहे हैं और आज हमें ये बताएंगे कि लूप को कैसे कैसे ये डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। ये डिवाइसेस हमारे पास स्मोक डिटेक्टर पड़े हुए हैं और ये पैनल को जो है प्रॉपर फिट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिट करने के बाद ये स्मोक डिटेक्टर वगैरह इंस्टॉल करेंगे और बताएँगे हमें फिर कि ये प्रॉपर वर्किंग में आता है कि नहीं आता। लगाएँ जी बोर्ड वगैरह इसको फिक्स कर ठीक है। हाँ ना इसकी डिवाइसेस लगा के चेक करेंगे अभी ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं अभी ये फोन चला चेक करना है हमने। जी ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं जो कि लगा रहे हैं। ये डिवाइसेस हैं हमारे पास अभी चेक करेंगे ये पैनल वगैरह इंस्टॉल करके कि प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। पुरानी डिवाइसेस हैं हमारे पास ये है जी ये रेडिएटिव आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। जमील भाई ये प्रॉपर अभी पैनल को पे वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो है इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको। और ये डिवाइसेस हमारे पास स्मोक डिटेक्टर पड़े हुए हैं इसको हम इंस्टॉल करके प्रॉपर आपको एक डेमो देंगे कि ये स्मोक डिटेक्टर कैसे एक्टिव किया जाता है और कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। ये हमारे पास ये जो था पैनल पड़ा हुआ था एक स्पेयर में पड़ा हुआ था अभी हम इस पैनल को प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। और ये स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर Z610। ये मॉडल नंबर है Z-Tone का। हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस दिखाएं। जी ये स्मोक डिटेक्टर को इसमें ये जोन्स की यहाँ पे जोन्स की लगेंगी जोन 1 जोन 2 केबल यूज़ करेंगे यहाँ पर।